bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum five class how are you all today we are going to start over a new topic our center nervous system hamara Markaziya sabi nazam in this chapter we are going to discuss about human brain its importance where it is located its main three parts cerebrum cerebellum and medulla we will also discuss about its main functions of these three parts and we will later we will discuss about our nervous system here they have written the question when you are asked to solve a puzzle which organ do you use to uh, you use to think just keep the answer in your mind if you know the answer i will ask you and you will tell me later uh, through message keywords are first of all i will read it and you will repeat after me cerebrum cerebrum सेरीब्लम सेरीब्लम मेडुला, मेडुला, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ओके लेट्स मूव टू द पैराग्राफ। हैव यू दैराग्राफ अ फेरी टेल और एन एनिमेटेड कार्टून मूवी समो कैन यू रिकॉल इट्स करैक्टर स्टोरी डॉलक एट्सट्रा वो कहते हैं कभी आपने ऐसा हुआ है कि कभी फेरी टेल आपने पढ़ी हो या कोई कार्टून मूवी देखी हो और अगर आपको उसके करैक्टर या स्टोरी या डाइलॉग वगैरह पूछे जाएँ तो आपको वो याद आ जाएंगे या आप बता सकते हैं आ, बच्चों की फेवरेट कार्टून मूवी है मोटू पतलू और अगर आपसे उनके करैक्टर या स्टोरी या डाइलॉग वगैरह के बारे में या उनकी वो कैसे डाइलॉग डिलीवर करते हैं आपको पूछा जाए तो आपको तो फ़ौर याद आ जाएगा ठीक है इसी तरह वो कहते हैं वट हैव्स यू टू लर्न न्यू थिंग्स टू थिंक एंड एंड टू रिकॉल कौन सी चीज़ है जो आपको नई चीज़ों को सीखने में आपको समझने में और उसको रिवाइज करने में आपकी हेल्प करती है वो कहते हैं नो डाउट इट्स योर ब्रेन विच इज़ इन चार्ज ऑफ दीज एक्टिविटीज़ वो कहते हैं बगैर किसी शको शुभे के ये आपका ब्रेन है जो आपको ये तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करता है इट इज़ एन अमेजिंग मशीन विच इज़ इन्वॉल्व इन थिंकिंग रीजनिंग लर्निंग टेकिंग इम्पोर्टेंट डिस